विश्व दलित परिषद जिंदाबाद, विश्व दलित परिषद जिंदाबाद। विश्व दलित परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंडल आयुक्त कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर मंडल आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। विश्व दलित परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र पाल सिंह ने कहा कि मुरादाबाद जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन अनुसूचित जाति के संवैधानिक हक को लूटने की शिकायत न सुनकर दलितों का शोषण कर रहा है, जिससे दलितों के हक मारे जा रहे हैं। पुलिस दलितों की रिपोर्ट दर्ज न कर टाल देती है। इस संबंध में मुरादाबाद के आईजी को कार्रवाई हेतु एक शिकायत पत्र भी दिया था, जिसमें लिखा था कि मुरादाबाद पंचायत चुनाव में मुस्लिम धर्म अपनाए चुकी महिलाएं विधि विरुद्ध संविधान का उल्लंघन ना करें, लेकिन पुलिस द्वारा इन मामलों में कोई उचित कार्यवाही नहीं करी गई, जिसको लेकर आज विश्व दलित परिषद के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि दलितों के हक सुरक्षित कराए जाएं और दलितों के शोषण की शिकायत न सुनने वाले जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में भूपेंद्र पाल सिंह, ओमकार सिंह एडवोकेट, एडवोकेट जितेंद्र कुमार, अनिल कुमार चड्डा, नौशाद अली आदि मौजूद रहे। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में संविधान के अनुच्छेद 341 शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के पैरा 3 का वायलेशन कर तमाम तहसीलों में अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र कूटरचित झूठे शपथ पत्रों पर बनाए जा रहे हैं, और वो कई तमाम लोग जो अनुसूचित जाति में नहीं आते, मुस्लिम होने के बावजूद, एससी का प्रमाण पत्र लेने के बावजूद एससी का आरक्षण लूट रहे हैं, इन सब के खिलाफ हम FIR दर्ज कराने के लिए उनको जिला पंचायत सदस्य या प्रधान या BDC या किसी नौकरी पे जो भी कार्यरत हैं उनको बर्खास्त कराने के लिए ज्ञापन मंडल आयुक्त महोदय को आज देने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो क्या मांग करते हैं ज्ञापन महोदय? बस जो कूटरचित अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र हैं वो थ्रू द प्रोसीजर डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कमेटी में निरस्त किए जाएं, उसके बाद उन पर FIR इंश्योर की जाए, उन सबको जेल भेजा जाए जिन्होंने गलत इलीगल सर्टिफिकेट जारी किए हैं, और रिटर्निंग अफसर, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर ने जो ब्लॉक के RO थे, RO, उन्होंने विधि विरुद्ध गैर SC को जिला पंचायत सदस्य या प्रधान या BDC निर्वाचित किया, उन सबके खिलाफ उनको बर्खास्त किया जाए, उनको सुना जाए, सुनने का अवसर दिया जाए। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि उनको एक नोटिस भेज के सुना जाए और उसके बाद पूरी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो भी की जाए और उनको पद से बर्खास्त किया जाए।